फाइनली गैस इंडिया पर टेक्नो ने लॉन्च कर दिया उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 6AR। स्मार्टफोन का जो प्राइस है 7,999 रुपीस और उसी प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन गैस स्मार्टफोन के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है और वहाँ पर रियलमी की तरफ से जो ब्रांड न्यू स्मार्टफोन रियलमी C11 के अंदर भी लगभग सेम स्पेसिफिकेशन है, तो यहाँ पर काफ़ी सारा दोस्तों कन्फ्यूज है इस दोनों स्मार्टफोन लेकर। क्या अभी मुझे रियलमी C11 बाय करना चाहिए ना टेक्नो की तरफ से टेक्नो स्पार्क 6AR को बाय करना चाहिए? इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा वो जानने के लिए ये वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, कौन सा स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन के बारे में आगे निकल जाता है वो देख लेते हैं। पहला बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की डिज़ाइन के बारे में। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की डिज़ाइन के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है टेक्नो स्पार्क 6AR, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। उसी के साथ साथ स्मार्टफोन की पीछे की तरफ है ट्रिपल कैमरा सेटअप, LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर। उसी के साथ साथ फोन साइड की तरफ देखा जाए गैस स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ और इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा बहुत ही छोटा होगा। और वहाँ पर रियलमी C11 आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। उसी के साथ साथ स्मार्टफोन की पीछे की तरफ है डुअल कैमरा सेटअप और एक LED फ्लैश। हाँ गैस, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा। और फोन साइड की तरफ देखा जाए गैस स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। उसी के साथ साथ इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा बहुत ही छोटा होगा। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में फिर से बाजी मारने वाला है टेक्नो स्पार्क 6AR, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है 7 इंची HD+ डिस्प्ले के साथ। उसी के साथ साथ वाटर ड्रॉप नॉच भी है। यहाँ पर जो डिस्प्ले का जो वीडियो आउटपुट मिलने वाला है बहुत ही अच्छा खासा, इसके अंदर आप फुल इंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हो। और वहाँ पर रियलमी C11 आता है 6.5 इंची HD+ डिस्प्ले के साथ। उसी के साथ साथ वाटर ड्रॉप नॉच भी है और इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा बहुत ही छोटा होगा। यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में और डिज़ाइन के बारे में तो बिल्कुल बाजी मारता है टेक्नो स्पार्क 6AR, लेकिन गैस यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है रियलमी C11, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है मीडियाटेक हीलियो G35 चिपसेट के साथ, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2.3 GHz में। उसी के साथ साथ स्मार्टफोन के अंदर पबजी लाइट या फ्री फायर जैसा गेम बहुत ही आसानी से आप खेल पाओगे। और वहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6AR आता है मीडियाटेक हीलियो A22 चिपसेट के साथ, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 GHz में। उसी के साथ साथ ये प्रोसेसर जो होने वाला है एक नॉर्मल यूजर के लिए सबसे अच्छा प्रोसेसर। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, यहाँ पर VR कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है टेक्नो स्पार्क 6AR, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। प्राइमरी सेंसर है 13 MP, उसी के साथ साथ 2 MP डेप्थ सेंसिंग के लिए और एक जो सेंसर होगा AI सेंसर। और वहाँ पर रियलमी C11 आता है डुअल कैमरा सेटअप के साथ। प्राइमरी सेंसर है 13 MP, उसी के साथ साथ 2 MP डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहाँ पर भी पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक आने वाला है। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे के बारे में, फिर से बाजी मारने वाला है टेक्नो स्पार्क 6AR, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है 8 MP सेल्फी कैमरे के साथ। इसका जो एपरेचर रहने वाला है 2.2 एपरेचर लो लाइट में, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा खासा फोटो आएगा। और वहाँ पर रियलमी C11 आता है 5 MP सेल्फी कैमरे के साथ, जिसका जो एपरेचर रहने वाला है 2.2 एपरेचर, यहाँ पर भी पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक आने वाला है। इसके बाद बात किया जाए इस दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, यहाँ पर बैटरी के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है टेक्नो स्पार्क 6AR, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है 6000 mAh बैटरी के साथ। उसी के साथ साथ इनबॉक्स आता है 10 W का चार्जर के साथ। और वहाँ पर रियलमी C11 आता है 5000 mAh बैटरी के साथ, उसी के साथ साथ इनबॉक्स आता है 10 W का चार्जर के साथ। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज के बारे में, दोनों स्मार्टफोन आता है 2GB 32GB वाला वेरिएंट के साथ। उसी के साथ साथ दोनों स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 10 के साथ। दोनों स्मार्टफोन के अंदर डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी है और दोनों स्मार्टफोन के अंदर 3.5 mm ऑडियो जैक भी है। इसके बाद बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, रियलमी C11 का जो बेस वेरियंट 2GB 32GB वाला वेरियंट इंडिया पर आता है 7,499 रुपीज़ के अंदर। और वहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6AR का जो बेस वेरियंट 2GB 32GB वाला वेरियंट इंडिया पर आता है 7,999 रुपीज़ के अंदर। इसके बाद आता है इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा, कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल बाजी मारता है टेक्नो स्पार्क 6AR, क्योंकि गैस स्मार्टफोन का जो प्राइस है 7,999 रुपीज़, उसी प्राइस के अंदर एक नॉर्मल यूजर के लिए ऑल एवरेज पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़ा सा डिस्प्ले मिलने वाला है, उसी के साथ साथ यहाँ पर पीछे की तरफ मिलने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप, यहाँ पर सेल्फी कैमरा 8 MP भी मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात है स्मार्टफोन आता है 6000 mAh बैटरी के साथ। एक नॉर्मल यूजर चाहता है गेम
नहीं खेलने के लिए, क्योंकि गैस स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर है एक नॉर्मल यूजर के लिए ठीक ठाक प्रोसेसर है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से और इस दोनों स्मार्टफोन से सबसे अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है टेक्नो स्पार्क 6AR। अगर आप थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेलना चाहते हो, अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप चाहो तो Realme C11 के तरफ जा सकते हो। ऐसे भी गैस यहाँ पर मेरे हिसाब से और इस दोनों स्मार्टफोन से सबसे अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है टेक्नो स्पार्क 6AR। तो आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।